हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से हमारा 10 मिनट का कॉन्सेप्चुअल सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी और डेंसिटी। तो विस्कोसिटी और डेंसिटी की अगर बात करें तो आप सब लोग अक्सर इस पे कंफ्यूज रहते हो कि सर दोनों में क्या रिलेशन है। अक्सर लोग एकदम डाउट में रहते हैं कि क्या सर डेंसिटी बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है क्या, या डेंसिटी घटाने से विस्कोसिटी घटती है क्या। बहुत सारी चीजें इसमें आप कंफ्यूज रहते हो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊं कि डेंसिटी आपको बिल्कुल मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, जिसको आप मास डेंसिटी भी बोलते हो। विस्कोसिटी क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा बिफोर गोइंग विद द डिफरेंसेस पार्ट। एक बार थोड़ा सा विस्कोसिटी के बारे में जानो कि विस्कोसिटी एक एक फ्लूड की प्रॉपर्टी है। वो बेसिकली क्या करती है, विस्कोसिटी को अगर सिंगल वर्ड में बोलूं सो इट्स अ फ्लूड रेजिस्टेंस। तो फ्लूड आपको लेयर में मूव कर रहा है, तो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, या जो ऑफर हो रहा है आपको, दैट समथिंग वी कॉल एज विस्कोसिटी। उसको हमने एक नेम दे दिया है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होने के तीन रीजन आपको जनरली दिखते हैं, दो रीजन अगर मैं डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करूं तो दो रीजन आपको याद रखना है। एक आपका मॉलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज, जो आपको गैसेस में बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर होता है विस्कोसिटी का, और दूसरा जो आपका है वो है आपका कोहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, ये दो रीजन होते हैं आपके मेनली विस्कोसिटी के। इफ यू टॉक अबाउट काइनेटिक विस्कोसिटी तो वहां पे इनहेरेंट रेजिस्टेंस की बात होती है। तो विस्कोसिटी क्या है, आपको डायनेमिक और काइनेटिक्स दोनों वाला पार्ट है, आपको क्लास वो में डिस्कस हुआ है। बट अभी मेरा मोटो है कि सर विस्कोसिटी और डेंसिटी को थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया जाए। तो थोड़ा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, सेम बी कर लिया, सेम बीकर लिया, जिसमें एक में आप हाईली विस्कस लिक्विड डाले, एक में लो विस्कस लिक्विड डाले, और आप क्या कर रहे हो, बड़े बीकर में डाल रहे हो। यू आर पुटिंग दिस लिक्विड, दिस रेड लिक्विड इन टू दिस बिगर बीकर। नाउ व्हाट यू कैन सी विद द सी इन द सेम टाइम लिमिट, इन द सेम टाइम लिमिट दिस बीकर इज नॉट फुल्ली फिल्ड, इट इज आई थिंक यू कैन से हाफ ऑफ दिस पार्ट, हाफ ऑफ दिस पार्ट एज कंपेयर टू दिस। व्हाट डज इट मीन कि अगर लो विस्कोसिटी रहेगा तो वो जल्दी वाटर आपका गिर जाएगा, जल्दी वाटर आपका उसमें नीचे गिर जाएगा। अगर आपका हाई विस्कोसिटी लिक्विड रहेगी तो आपको क्या होगा, वहां पे टाइम लगेगा गिरने में। बट यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। देखिए अब यहां पे क्या है, अगर आप मरकरी की बात करें तो मरकरी आपका कैसा है, मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई है, और मरकरी को भी अगर आप इस छोटे से बीकर में रख के डालोगे तो वो भी बहुत जल्दी गिर जाता है, बहुत जल्दी गिर जाता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें लो विस्कोसिटी है, उसमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है, उसमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है। तो एक एक इन अ सेंस मैं आपको एग्जांपल से बता पाया कि विस्कोसिटी और डेंसिटी में अभी कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप हो रही है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, लेट मी टेक वाटर एंड ऑयल। वाटर एंड ऑयल ध्यान से देखिएगा, वाटर एंड ऑयल। नाउ यू ऑल नो दैट विस्कोसिटी और डेंसिटी, ध्यान देखिएगा सब लोग, वाटर की डेंसिटी बात करूं तो आपको 1000 के आसपास होता है, 1000 kg/m³। ऑयल की जो आपकी होती है वो जनरली आपको लेसर देन, मैं वाटर बोलूंगा, लेस देन वाटर। विस्कोसिटी की अगर बात करूं, विस्कोसिटी की बात करूं तो आपको ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा मिलेगी, मोर, और वाटर की लेस मिलेगी। अब आप बताओ यहां कोई रिलेशन बन रहा है आपका, कोई रिलेशन बन रहा है क्या कि सर जब विस्कोसिटी आपकी बढ़ेगी, जब आपकी विस्कोसिटी बढ़ रही है तो डेंसिटी तो उल्टा कम हो गया, या जब आपकी डेंसिटी बढ़ रही है सर तो आपका विस्कोसिटी उल्टा कम हो गया। सो बेसिकली देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, एंड नेवर एवर ट्राई टू मेक ऑल्सो। आपको कहीं पे लगता है कि एक रिलेशन बन भी रहा है, एक रिलेशन बन रहा है, सो वो सिर्फ छोटे पॉइंट के लिए, किसी छोटे एरिया के लिए होगा, किसी एक स्पेसिफिक केस के लिए होगा, यू कांट जनरलाइज दैट थिंग। तो याद रखना, देर इज नो रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, इट्स अ सेपरेट फेनोमेना। विस्कोसिटी इज ऑल्सो सेपरेट फेनोमेना, डेंसिटी इज ऑल्सो सेपरेट फेनोमेना। डेंसिटी आपके इनहेरेंट प्रॉपर्टी को बताता है, इनहेरेंट आपके प्रॉपर्टीज को बताता है, और जो आपकी विस्कोसिटी है वो बताता है एक फ्लूड और दूसरे फ्लूड लेयर के बीच में रेजिस्टेंस को। जनरली हम विस्कोसिटी की बात तब करते हैं जब एक फ्लूड मूविंग कंडीशन में हो, लाइक आपका ऑयल हो गया, वाटर हो गया, व्हेन इट इज इन मूविंग कंडीशन वी जनरली टॉक अबाउट विस्कोसिटी। एनीथिंग विच इज स्टैग्नेंट, जब कोई चीज रखी हुई है स्टैग्नेंट वे में, स्टेटिक वे में, वी नेवर डिस्कस अबाउट व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ दैट। तो आप दिमाग में, वी नेवर डिस्कस अबाउट व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ दैट। तो याद रखना, डेंसिटी जो है आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टीज बता रहा है, बट डेंसिटी और विस्कोसिटी के बीच में कोई रिलेशन डेवलप मत करना। तो छोटा सा ज्ञान आप सबको आई थिंक अच्छा लगा होगा,
और आप नोट करने का एग्जाम्पल भी एक और देख सकते हैं कि जब आपका हाई विस्कोसिटी रहता है उसको आपको मिक्सर को रोटेट करने में आपको ज्यादा एनर्जी लगता है एज कंपेयर टू लो विस्कोसिटी। तो सेकेंड एग्जाम्पल कैन ऑल्सो मैटर। आई थिंक आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि विस्कोसिटी क्यों होता है, विस्कोसिटी डेंसिटी से क्यों डिफरेंट है, और विस्कोसिटी के क्या क्या रीजन की वजह से आपको विस्कोसिटी होती है आपके वाटर में। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको सब लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नो बडी विल हैव एनी डाउट इन दिस। और अगर आपको ऐसे 10 मिनट के छोटे और कंसेप्चुअल वीडियो अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं आप मेरे को। और सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको ऐप पे जाइए, फॉलो वाले बटन पे क्लिक कीजिए। पहले आप नेम सर्च करके फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप आइकॉनिक या प्लस दोनों सब्सक्रिप्शन में आप MRI10 कोड का यूज करके आप दोनों में डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट उपलब्ध आपको हो जाएगा। यू विल गेट 10% आइदर आपने 12 मंथ का कोर्स लिया, 18 मंथ का कोर्स या 24 मंथ। कोर्स लेने से पहले आप हमेशा अपने फैकल्टी से एक बार डिस्कस कर लें कि विच हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेस। लाइक फॉर इफ यू आर टारगेटिंग फॉर गेट, कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, ESCE कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। तो ये सारे दिमाग आप दिमाग में क्लियर रखिएगा। और इसके साथ एक चीज और बोलूंगा कि आपको अगर कुछ नए पॉइंट्स लगते हैं कि ऐसा कुछ एक प्रॉब्लम ही आपको है, कोई छोटा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आप कॉमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उस पर आपको सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो ये सेशन में आपको फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन मिलूंगा मैं। लास्ट वाला सेशन हमारा किस पे हुआ था, लास्ट वाला सेशन जो हमने लिया था 10 मिनट डिस्कशन आपका किस टॉपिक पे था, अगर आप लोग कमेंट करके बता पाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग नहीं देखे हो 10 मिनट डिस्कशन वाला पॉइंट तो उसको जाके देख लो, कैविटेशन पे था, कैविटेशन पे था, कैविटेशन को हमने समझा था, तो उस पर देख लीजिएगा। और बाकी आपको अगर कुछ और भी पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। विद दैट गाइज, थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज आर रॉकिंग ऑलवेज, एंड सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस। Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators. Right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.